stars in the solar system. In this particular class, we shall be studying about some more celestial bodies in solar system, as we have already studied about sun and the planets. Asteroids. There is a large gap in between the orbit of Mars and the Jupiter. This gap is occupied by a large number of small objects that revolve around the sun. These are called as asteroids. Asteroids can only be seen through large telescope. तो जो orbit Mars और Jupiter का है, उसके बीच में कुछ heavenly objects हैं, जो कि जैसे planets revolve कर रहे हैं sun के आसपास, वो भी revolve कर रहे हैं, but वो एक huge large number के objects हैं, और उन सबको हम asteroid कहते हैं, और ये जो दोनों प्लैनेट्स के बीच में ये एस्ट्रॉइड्स है, इसको पूरी पूरी का एस्ट्रॉइड बेल्ट्स भी कहा जाता है. सो आई एम शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ एस्ट्रॉइड्स. कई एस्ट्रॉइड्स तो काफी साइज में बड़े भी हैं, उनको किसी साइंटिस्ट के नाम पर भी नाम दे दिया गया, जैसे एक को कल्पना चावला भी नाम दे दिया गया, जस्ट टू ऑनर द इंडियन एस्ट्रोनॉट. सो आई एम शेयरिंग वन मोर पिक्चर विद यू. और बेसिकली बने ये अर्थ जैसे मटेरियल से ही बने हुए हैं ये हेवनली ऑब्जेक्ट्स भी. नाउ कॉमेट, दैट इज द नेक्स्ट हेवनली ऑब्जेक्ट. कॉमेट आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट. हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज यूजली वेरी लॉन्ग. अ कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट head with a long tail. The length of the tail grows in size as it approaches the sun. The tail of the comet is always directed away from the sun. Many comets are known to appear periodically. One such comet is the Halley's comet, which appears after nearly 76 years. It was last seen in 1986. तो कॉमेट्स जो है वो भी जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के आसपास, ऐसे कॉमेट्स भी रिवॉल्व करते हैं, बट ये हेवनली ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स से डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? बिकॉज ये डस्ट और गैसेस पार्टिकल से ही बने हुए हैं. अच्छा, जब भी ये सन के पास रिवॉल्व करते करते सन के पास आते हैं, तो क्योंकि जैसे जब ये दूर जाते हैं तो वो गैसेस फ्रीज कर जाती हैं, सॉलिडिफाई कर जाती हैं, लेकिन जब सन के पास पहुंचने लगते हैं तो उसकी हीट की वजह से वो गैसेस जो है वेपराइज करना शुरू करती हैं. तो उस वेपराइजेशन की वजह से वो टेल, और क्योंकि सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही होती है, तो वो हमें नजर आना शुरू कर जाता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. तो ये हमें एक इस तरह से नजर आता है कि एक ब्राइट सा ऑब्जेक्ट जिसका हेड है और साथ में टेल भी है. हिंदी में तो कई बार इनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है, बिकॉज इट हैज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर. बट जितनी बार ये सन के आसपास घूमेगा और वहां पास जाता है, तो उतनी बार इसकी कुछ गैसेस जो है वेपराइज कर जाती हैं. सो एवरी टाइम इट्स गोइंग टू गो क्लोज टू द सन, इट विल लूज सम ऑफ इट्स मास. और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे जितनी बार सन के आसपास ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, धीरे धीरे इनके गैसेस कम होती रहती हैं. अच्छा, इनका जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, हर कॉमेट का अपना अलग अलग है, तो टाइम टू टाइम कई प्लैनेट्स जो अब हमारे ह्यूमन बीइंग्स की तो इतनी लाइफ है नहीं, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड्स में कहा जाता है कि कई ऐसे कॉमेट्स हैं जो टाइम टू टाइम नजर आए, जिनमें से जो वेल नोन कॉमेट है, दैट इज हेलीज कॉमेट. इसको डिस्कवर जिन्होंने किया था, उन्हीं का नाम इनके साथ रखा गया है. जो एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने हेलीस जो थे, उन्हीं के नाम पे इनको रख दिया गया. तो इट वॉज ऑब्जर्व इन ये दोबारा कब दिखेगा? 76 ईयर्स के बाद बार बार दिखता है. तो लास्ट आखिरी बार कब दिखा गया था? 1986 में. और जब ये 1986 में दिखा था, एट दैट टाइम आई वॉज इन क्लास 8. नाउ यू आर इन क्लास 8, सो एट दैट टाइम आई वॉज इन क्लास 8. तो एट दैट टाइम इट वॉज इन टू मच इन न्यूज कि हेलीस कॉमेट है, एंड करीब मतलब
मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक तक ये नजर आता रहा था स्काई में, तब इसको नेकेड आई से आराम से देखा जा सकता था बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज क्लोजर टू द अर्थ एंड सन की इसके ऊपर रोशनी अच्छे से पड़ रही थी, तो हम लोगों को ये अर्थ के पे नजर। दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉमेट। इस तरह के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं और आपको आसमान में नजर आते हैं। मेट्रियोर्स एंड मेट्रोराइट्स, ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई, दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स। ऑल द दे आर नॉट स्टार्स, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज मेट्रियोर्स। मेट्रियोर्स आर यूजली स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेशनली एंटर द अर्थ एटमोसफियर एट टाइम्स। इट हैज बीन अ वेरी हाई स्पीड, द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमोसफियर हीट्स अप एंड दे ग्लो एंड वेपराइज वेरी क्विकली। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अर्थ के एटमोसफियर में एंटर कर जाती है। तुम समझ लो कि छोटे छोटे से गेहूं के दाने जितने, या गेहूं से के दाने या एक छोटे से बॉल जितने, क्रिकेट के बॉल जितने। तो क्या होता है कि ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, तो जब एक एटमोसफियर में एंटर करते हैं तो देर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द एटमोसफियर एंड दैट पर्टिकुलर हेवनली ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल स्टार्ट्स कमिंग क्लोजर टू द अर्थ एंड एज इट अप्रोचेज द अर्थ द स्पीड इंक्रीजेज एंड ड्यू टू फ्रिक्शन दे गेट हीटेड अप एंड दे कैच फायर। तो दिन में अगर ऐसा हो रहा होता है हमें दिखते ही नहीं है ये चीज, फिर हम उसको नोटिस ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर यही चीज रात को होती है तो ये हमारे नोटिस में आ जाती है कि हमें ऐसा लगता है जैसे तारा टूटा। तो तारे कभी नहीं टूटते, वो तो वैसे इनका नाम शूटिंग स्टार्स दिया हुआ है क्योंकि पहले ऐसे लोग सोचा करते थे कि ये टूटता तारा है, अभी तारे में से कुछ टूटा है तो ये टूटता तारा है। और इसके साथ कुछ चीजें भी जोड़ी जाती हैं कि टूटते तारे से कोई विश मांग लो, तो ये सब तो देखो वैसे इन चीजों के साथ बातें जुड़ गई हैं। एक्चुअली तो ये बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं और दे कैच फायर एंड देन रस्ते में ही कहीं पूरी जल जाती हैं, इनकी सिर्फ राख ही अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है। सो एज ऑल्सो दिस इज अ मेट्रोराइट। तो मेट्रियोर्स और मेट्रोराइट्स में डिफरेंस है। मेट्रोराइट्स, सम मेट्रियोर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवेपोरेट कंप्लीटली। द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड एज मेट्रोराइट। मेट्रोराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मटीरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वॉज फाउंड। अब जैसे मैं तुम्हें मेट्रियोर्स के बारे में बता रही थी कि ये छोटे से छोटी सी एनवेली बॉडी है, छोटे से साइज की, गेहूं के दाने जितनी, चने के दाने जितनी। अच्छा, तो ये बहुत साइज में छोटी होती है, तो दे एंटर इन टू द अर्थ सर्फेस और इनको आग लग जाती है एंड फाइनली दे बर्न। तो यानी कि ये अर्थ तक पहुंचते ही नहीं। लेकिन अगर साइज में बड़े हो थोड़े तो हम उनको मेट्रियोर्स कहने के बजाय मेट्रोराइट बोलते हैं, और वो पूरी तरह जलने से पहले ही अर्थ तक पहुंच जाती है, यानी कि जलती कंडीशन में ही अर्थ पे आके गिरती है, क्योंकि आग तो इनको भी लगेगी, आग तो उनको भी लगेगी, बस वो साइज में छोटे हैं तो वो पूरे वेपराइज हो गए अर्थ के सर्फेस तक पहुंचने में, और ये थोड़े बड़े हैं तो ये जलती कंडीशन में गिरते हैं। तो जहां गिरते हैं वहां कई बार आग भी लग जाती है, जैसे मान लो किसी जंगल में गिरे तो जंगल में आग लगा दी, और अगर समुन्द्र में गिरे तो पता ही नहीं चलता है, फिर कोई नोटिस ही नहीं करता उनको, क्योंकि वो वहां गिरते हैं और अर्थ जो है उसमें पानी का हिस्सा ज्यादा है। अब जब ये जमीन पर गिरते हैं और ह्यूमन बींग के नोटिस में आते हैं तो उन किस मटीरियल से वो बने हैं उसको फिर साइंटिस्ट अपने पास संभाल के रख लेते हैं। अभी पीछे भी एक न्यूज में आया था कि एक ह्यूमन बींग था, वो उसकी बेचारे की बहुत गरीब सा आदमी था, उसकी छोटी सी दुकान थी, उस पर गिर गया। जब उस पर गिर गया बल्कि आग उग भी लग गई, फिर बुझा बुझू दिया, तो जो बचा कुचा था, जैसे एज आई हैव शेयर्ड टू पिक्चर्स ऑफ मेट्रोराइट्स, तो किस मटेरियल से वो बने हुए हैं ऐसे ही उस आदमी को भी मिले, तो उससे फिर साइंटिस्ट ने उसको काफी महंगे में खरीदा और वो इतना रिच हो गया उससे
क्योंकि ये इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअली आपको ये हेल्प आउट करने में मदद देती है कि भाई सोलर सिस्टम बना किस चीज से है। क्योंकि अब ऐसा नहीं होता ना कि मेटेराइट्स हर सेम ही तरीके के मटेरियल के गिरते हो, कभी वो किसी तरीके के गिरते हैं, कभी किसी तरह, तो उनसे हमें हेल्प मिलती है कि सोलर सिस्टम किस किस तरीके के मटेरियल से बना हुआ है, तो ये रिसर्च के लिए यूज होते हैं। मेट्रियोर शावर्स, जो मैं कह नहीं रही थी कि जो साइज में छोटे हैं और रस्ते में ही इवेपोरेट हो जाते हैं जलकर, उनको मेट्रियोर्स कहा जाता है। अब इसको कैसे याद रखोगे, मेट्रियोर्स और मेट्रोराइट्स को? उसको ऐसे याद रखना, मेट्रियोर्स की स्पेलिंग छोटी है तो यानी कि उनके साइज भी छोटे हैं, उनके साइज छोटे हैं तो अर्थ तक पहुंचने से पहले ही जल जाते हैं। मेट्रोराइट्स की स्पेलिंग इससे लंबी है तो यानी कि वो साइज में बड़े हैं, साइज में बड़े हैं इसलिए पूरी तरह जलते नहीं हैं और वो अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाते हैं। अब मेट्रियोर शावर क्या है? शावर तो मतलब किसी चीज की बारिश होना, तो किस चीज की बारिश हो रही है? मेट्रियोर्स की बारिश। तो कभी कभी क्या होता है कि एक साथ ही बहुत सारे मेट्रियोर्स गिरते हैं आसमान में, मेट्रियोर शावर्स, व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ द कॉमेट, स्वैम्स ऑफ मेट्रियोर्स आर सीन, दीज आर नोन एज मेट्रियोर शावर्स। सम मेट्रियोर शावर्स अकर एट रेगुलर इंटरवल्स ईच ईयर। मतलब कुछ, व्हाट इज मेट्रियोर शावर? यानी शावर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की बारिश होना, बूंदों की बारिश होना। यहाँ पर किस चीज की शावर शावर हो रहा है? मेट्रियोर्स का, यानी कि इस तरह से जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक के बाद एक टूटते तारे, शूटिंग स्टार्स हमें नजर आ रहे हैं, कि मतलब मेट्रियोर्स गिर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब कोई कॉमेट अर्थ को क्रॉस करता है। एक तो ये इंसिडेंस है कि कोई कॉमेट क्रॉस करे तभी होता है, और कुछ जगहों पे तो ये एक रेगुलर इंटरवल पे साल के पर्टिकुलर टाइम पर होते हैं कि इस तरह से गिरते हैं। एक और पिक्चर, तो कई बार ये जलते हुए जमीन तक अगर थोड़ा बहुत पहुंच जाते हैं तो कई बार आग भी लग जाती है। बट जनरली मेट्रियोर शावर्स वो है जो अर्थ तक जलते हुए ना पहुंचे, क्योंकि मेट्रियोर वर्ड हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब वो जलता हुआ अर्थ तक नहीं पहुंचा बल्कि रास्ते में ही जल गया। सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? मैन मेड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ, दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दे रिवॉल्व वेरी नॉट वेरी क्लोज टू द अर्थ, नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, एट अ प्रॉपर डिस्टेंस सो दैट ह्यूमन बींग्स कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट एंड दिस सैटेलाइट वॉज गिवन नेम आर्यभट्ट, टू ऑनर द ग्रेट एस्ट्रोनॉट। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, यानी कि मौसम के बारे में भविष्यवाणी करने में हमें हेल्प करती हैं। ट्रांसमिशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजना, जैसे कि हम टेलीविजन आजकल देख पाते हैं या फोन कर पा रहे हैं, तो यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, बेसिकली हम ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स की बात करते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ से वहाँ किसी भी तरह का मैसेज भेज सकते हैं। टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजने में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हेल्प आउट करती हैं। टेली कम्युनिकेशन में, यानी कि हम टेलीविजन्स में या मीडिया में या नेट, आजकल इंटरनेट बहुत यूज हो रहा है, ये सब हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से ही हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं। रिमोट सेंसिंग, यानी कि जो हमें
हमारी ही अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देने में हेल्प आउट करती हैं कि कहाँ पर जंगल हैं, कहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा हैं, कहाँ पर रेगिस्तान है, और मतलब अर्थ के ऊपर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, वो सैटेलाइट्स जो कि हमारी कंट्री लॉन्च करती है और हमारी ही कंट्री के ऊपर रहती हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, वो मूव तो कर रही होती है अर्थ के आसपास, लेकिन उनकी स्पीड ऐसी होती है कि वो हमेशा हमारी कंट्री के ऊपर दिखती रहती है. जैसे अगर दो कारें एक साथ चलती रहें तो साइड वाली कार हमें कंटिन्यूअसली दिखती रहेगी क्योंकि उसकी स्पीड और हमारी स्पीड सेम है. ठीक है. और इस तरह की जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं ये ट्रांसमिशंस वगैरह में बहुत हेल्प करती हैं. अच्छा, दूसरी होती हैं जो वेदर सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स होती हैं, तो ये हमें हेल्प आउट करती हैं वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देने में. और ये हमारी अर्थ के ऊपर से बार बार चक्कर, अर्थ के चक्कर लगाते हैं तो हमारी कंट्री के ऊपर से बार बार क्रॉस करती रहती हैं और हमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहती हैं. इसीलिए कई बार वेदर वालों की इंफॉर्मेशन गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बार बार सैटेलाइट चक्कर लगाती है. तो वेदर चीज़ ही ऐसी है कि वो उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, बट मोस्टली वेदर की इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी करेक्ट ही होती है. इंडिया हैज बिल्ड एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट. सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसैट, IRS, कल्पना वन, ADU, सैट एटसेट्रा. सो दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक. थैंक यू.